स्टार्ट। ओ रुको गुड। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की नए वीडियो में या फिर ब्लॉग में आप बोल सकते हैं आपका स्वागत है। हमारे पास R15 है और इसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से मैं इसको चला भी रहा हूं और मैं एज अ पिलियन भी बैठ रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी ये कम्फर्ट रहने वाली है, कितनी ये कम्फर्ट रहती है एज अ पिलियन भी, एज अ राइडर भी। तो आपको मैं दोनों चीज़ शेयर कर दूंगा। तो गाइज, मैंने कुछ चीज़ नोट किए हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे काफ़ी हंसी आ रही है, पता नहीं किस बात पे। सुन तो सुना बताने वाला हूँ। सोएब भाई भी इस पे बैठे हैं, तो ये तो फर्स्ट टाइम बैठे थे आज, तो आप जब बैठे थे तो आप फर्स्ट एक्सपीरियंस बता दे तुरंत। गाइज, अगर आप B4 की बात करें तो आप मतलब ड्राइव करेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, ये मेरा कुछ अलग है, मैं भी बताने वाला हूँ जो पीछे है एज अ पिलियन। हाँ, मतलब जैसे आप अगर आप ड्राइव करेंगे लॉन्ग राइड अगर आप करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी कि शोल्डर पेन करेगा, बैक पेन करेगी आपकी, मतलब तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी पीछे बैठने वाला जो बंदा है उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए सिर्फ सपोर्ट जो आगे ड्राइव कर रहा बंदा, वही एक सपोर्ट है, वो उसको ही पकड़ सकता तो है। कुछ और बहुत ऊंचे लेवल पे पीछे, मतलब मैं तो राइडिंग, पहली बार बैठा हूं, राइडिंग पोजीशन भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो मैं आपको राइडिंग पोजीशन शेयर करने वाला हूं, उसकी कैसी मतलब फीलिंग रहती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैंने फील करी है, क्योंकि मैं इस पे एज अ पिलियन भी बैठा हूँ और एज अ राइडर भी मैंने किया है। 7-8 दिन से हम ये कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो गाइज, यहाँ पे सोए व्हीली मारने का ट्राई कर रहा है। इधर से आजा भाई, इस पे मत गिर जाइयो। फर्स्ट टाइम व्हीली मारने की कोशिश की जा रही है, मतलब सीखने की कोशिश की जा रही है। चलो, फर्स्ट गियर और 6,000 RPM रखियो। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल। 7,000 RPM कर दो और एकदम से क्लिच छोड़ दिए। उठी तो गाइस, उठ तो गई, लेकिन सोए भाई कितने में क्या किया था भाई? डरना नहीं है, कोई बात नहीं, सही जा रहे हो। चलो एक बार फिर से, निकल जाने। तो गाइस, गाड़ी वहां पे आ रही है, दिख भी ना रही है, लेकिन हाँ उठी गाड़ी, उठी, मैं भी उठाऊंगा, उठी, चाहे गिर जाए, चाहे गाड़ी टूट जाए, कोई बात ना, ठीक करा लेंगे। तो गाइस, टेक नंबर 3 टेक लिया जा रहा है फिर से यहाँ पे, और सोए भाई फिर से ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नहीं, टेक नंबर 3 फिर से अनसक्सेसफुल रहा है, मतलब सीखना यार की है। हल्की सी उठ पा रही है और अभी इन्होंने जितनी उठाई थी उतनी नहीं उठ रही, तो आप देखो। हाँ, कर ट्राई, नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही, नहीं हुई। अब गाइस मैं ट्राई करता हूं। भाई आपने देखा, सो गाइस, अब समीर भाई बिल्कुल रेडी हैं और देखते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 7,000 RPM कर देना और उसके बाद क्लिच जो है एकदम छोड़ देना, और जब गाड़ी 90 पे पहुंचे, अगर पहली बार तो पहुंचने वाली है ही नहीं, अगर पहुंचे तो पिछले ब्रेक ले लेना, अगले ब्रेक तो मानना ही नहीं है, ठीक है भाई? अगले ब्रेक ऐसा मान लो कि मानना ही नहीं है किसी ब्रेक का। चलिए चलते हैं। तो पहले सेफ्टी, समीर भाई हेलमेट ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये ग्लव्स वगैरह देख रहे हैं आप, इनके पास नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, इनका भी फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो जब बात है आप साइड हो जाएं। पहला टेक नहीं हो भाई, रुक जा। स्टार्ट। ओ रुको, गुड, यस, मतलब ये पहला, गाइस आप देख सकते हैं, पहला ट्राई था समीर भाई का भी, लेकिन थोड़ी उठी, बट कोई बात नहीं, इनने ट्राई करा तो उठी। सो सर, एक बार विद पूरी कॉन्फिडेंस के साथ समीर भाई चलिए, आराम से पलटना जाए, पिछले ब्रेक। स्टार्ट। हो गया भाई। सो आज के लिए इतना ही बहुत, मुझे ऐसा लगता है, लग रहा है ना, इसलिए छोड़ने से पहले ना दबा ले रहे हैं अपने लोग, मुझे हाँ। एक बार छोड़ दी तो उठ गई। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं बताऊं, एज अ राइडर अगर आपकी हाइट मेरे जितनी यानी कि 5'9" है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या फीलिंग आपको आएगी, मतलब आपको अच्छा और बुरा, मैं दोनों चीज बताने वाला हूं। जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको पहली चीज तो एग्रेसिव आपको लगेगा कि आप कोई बाइक राइड कर रहे हो, मतलब बहुत एग्रेसिव रहती है ये। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब आप यहाँ से ऐसे रखोगे अपने हैंड को,
तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे ना, फ्रंट ब्रेक या फिर बैक ब्रेक या मतलब जो भी ब्रेक आप लगाओगे यहाँ पे, तो जैसे ही बाइक आपकी रुकेगी ना, तो सारा फोर्स आपका यहाँ पे आने वाला है पाल्म पे, ऐसे ठीक है, जो आपकी पाम रहती है मतलब हथेली बोलते हैं इसको, इस पे आपका सारा प्रेशर आएगा और आपको मतलब दर्द फील हो जाएगा तुरंत। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको पेन जो है वो फील हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी एज अ पिलियन आप किसी के साथ चल रहे हैं, कि आपके पास कोई राइडर है मतलब आप राइड कर रहे हैं गाड़ी और आपके साथ कोई पीछे बैठा हुआ है, तब आपके जो शोल्डर है ना गाइस, ये पेन करना कंपलसरी है। यहाँ पे पेन आपका होना ही होना है, क्योंकि उसको यहाँ पे पीछे मतलब सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं रहता और वो सारा मतलब सारा जो अपना जो वेट रहता है, अपनी जो पोजीशन होल्ड करता है, तो वो आपके शोल्डर की मदद से करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे भी पेन होना तय है और यहाँ पे भी पेन होना तय है। अगर आपकी हाइट 5'9" है या फिर 5'8" है, तो हो सकता है अगर आपकी हाइट कम है तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए जो आपका हैंडलिंग है वो काफी क्लोज हो जाएगी, तो आपको इतना ना तो इतना झुकना पड़ेगा आपको और ना आपको इतना फोर्स पड़ेगा आपकी हथेली पे या फिर आपकी पाम पे बोल सकते हैं। शोल्डर पे पेन होता है और यहाँ पे आपकी हथेलियों पे पेन होता है, एज अ राइडर एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एज अ पिलियन भी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ उसका। तो गाइस जब आप इस बाइक पे बैठते हैं, तो पहली चीज आपका ये जो सीट है इसकी हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, और दूसरा इसका जो मटेरियल यूज किया है वो काफी कम यूज किया है, तो आपका उतना कंफर्ट तो देखने को मिलने वाला नहीं है। एरिया भी छोटा है, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू और भी कुछ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस बाइक पे बैठते हैं ठीक है, तो उसकी हाइट मतलब हो ही ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको एक तरीके से चलो मान लो आप बैठ भी गए, लेकिन अब आप ऐसे बैठे हैं और बाइक राइड हो रही है, तो जैसे ही राइडर आपका कहीं भी ब्रेक लगाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा, तो आप डायरेक्ट आगे जाने वाले हो, लेकिन अगर नॉर्मल ब्रेक भी लगाएगा तो आप यहाँ से आपकी पोजीशन अपने आप चेंज होकर आप यहाँ पे आ जाओगे यहाँ ऐसे करके ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अपने हाथ यूज करने, या तो आप ऐसे रुकोगे, जब आप ऐसे रुकोगे तो यहाँ पे जो आपका राइडर है उसको पेन होगा ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो ये आपको मतलब बैठने में भी आपको मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इजीली बैठ जाएं नॉर्मल तरीके से, लेकिन नहीं, अगर ऐसे मान लो बाइक राइड हो रही है और ब्रेक लगाए या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आया, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, आपको अलर्ट रहना पड़ता है इस बाइक पे। बाकी ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, आपको चलाने में भी बहुत अच्छा फील आएगा, बाकी सब कुछ ओके, लेकिन ये कुछ पॉइंट थे जो मेरे हिसाब से आपको नोट करने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए। बाकी राइड जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ एक मशीन राइड कर रहे हैं जो काफी अच्छे से वर्क करती है। बैठोगे तो बैठने का मैं बोल सकता हूँ इतना कंफर्ट नहीं है, लेकिन राइडिंग का काफी अच्छा खासा है, वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे भी ये बाइक सिंपल सा नाम के लिए दो बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन एक बंदा राइड करेगा तभी आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे, आई होप सो कि आपको ये पसंद आए होंगे या फिर अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अभी जो और लांगे ना, दोनों एक साइड साथ रखी तब अटेगी, पानी करिए। फाइनली यहाँ पे अब आक्रमण करने की पूरी पूरी तैयारी है, और शोएब भाई बिल्कुल रेडी है और मेरी उधर जनरल भाई भी बिल्कुल रेडी है। फाइनली हमने ब्लॉग खत्म करने के बाद हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, तो यही हम सोली में आ गए अपनी, और खाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम तो गाइज हमने सारा खत्म कर दिया। और मैं बोलूँगा डोंट वेस्ट फूड, ठीक है, जितना लो उतना खाओ, मतलब उतना ही लो जितना खा सको, तो हमने ये सारा खत्म कर दिया। तो गाइज खाना हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, और आज का ब्लॉग मैं ही खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।